इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। बर्धमान पश्चिमी बंगाल राज्य के मध्य में बसा ये शहर जहां मुगलों से लेकर ब्रिटिश युग तक भारत की सबसे बड़ी जमींदारी हुआ करती थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बर्धमान के महाराजा बंगाली नहीं बल्कि पंजाबी खत्री व्यापारी थे, जो समय के बदलाव के साथ एक छोटे साहूकार से महाराजाधिराज बने। बर्धमान जमींदारी प्रथा की उदय और पतन की कहानी बतलाता है। इस शहर का नाम ईसा पूर्व 6 शताब्दी में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान स्वामी या महावीर के नाम पर पड़ा था। जैन शिलालेख कल्पसूत्र के मुताबिक उन्होंने आस्तिक ग्राम में कुछ समय गुजारा था। वर्धमान स्वामी के सम्मान में ही इस शहर का नाम वर्धमान रख दिया गया। मुगल काल में बर्धमान एक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र था। यहाँ कपड़े, विभिन्न खनिज पदार्थों और मसालों के व्यापारियों की चहल पहल रहने लगी। मलिका नूर जहाँ के पहले पति शेर अफगान खान यहाँ के जागीरदार थे। सन 1607 में यहाँ उनकी हत्या कर दी गई और ऐसा कहा जाता है कि बादशाह जहांगीर के आदेश पर ही उनकी हत्या कर दी गई ताकि जहांगीर नूरजहां से निकाह कर सके। वर्धमान में ही स्थित है शेर अफगान खान का मकबरा। बादशाह औरंगजेब के काल में कई व्यापारी यहां आकर बसे, जिनमें बर्धमान राज के पूर्वज भी शामिल थे। माना जाता है कि बर्धमान राज परिवार के पूर्वज व्यापार के लिए लाहौर से यहां आ पहुंचे थे। अराउंड 1650s के द्वारा जो हमें रिकॉर्ड से पता चलता है कि संग्राम राय कपूर करके एक पंजाबी बिजनेसमैन थे लाहौर से, जो बंगाल आए। कुछ अकाउंट्स कहते हैं कि वो पूरी पिलग्रिमेज के लिए जा रहे थे, बट मोस्ट प्रोबेबली वो बिजनेस के लिए ही बंगाल आए और बर्धमान के पास एक जगह पे बस कर वो मनी लेंडिंग करने लगे। उनका बिजनेस अच्छा चला और वो और इन्फ्लुएंशियल होते गए। तो अराउंड 1689 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने उनके पोते अबू राय को फौजदारी दी बर्धवान की, और यही से शुरुआत ही हुई बर्धवान राज की। तो ये राज क्या होता है? राज मीन्स जमींदारी, जैसे कि हम कहते हैं राज दरभंगा, राज बलरामपुर। तो ज़्यादातर उत्तर भारत में ये बड़ी बड़ी जमींदारियाँ हुआ करती थी जो रियासतों से अलग थी। जैसे कि उनके पास आर्मी नहीं होती थी और उनकी कोई लेजिस्लेटिव या जुडिशियल पावर नहीं हुआ करती थी। इसका मतलब ये है कि उनका काम था सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना। तो ऐसे बड़े बड़े उत्तर भारत में जमींदारियाँ थी, जिनमें से उस समय पर एक थी राज बर्धवान, और उनके सबसे बड़े राइवल्स थे बिश्नुपुर, जो एक उनकी नेबरिंग एक जमींदारी हुआ करती थी। तो अराउंड 1689 से इस परिवार ने धीरे धीरे यहाँ पे अपनी जड़े जमाना, अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू किया। और ये सिलसिला फिर बाद में मुगल एम्पायर का पतन हो गया, उसके बाद बंगाल के नवाब आए, मुर्शिद कुली खां, उसके बाद अली वर्दी खां, उनके अंडर ये टैक्स कलेक्ट करते रहे। उनका काम था टैक्स कलेक्ट करना और मुर्शिदाबाद में नवाबों को वो टैक्स देना। जब मराठों का राघोजी भोसले, जो मराठा जनरल थे, उन्होंने जब बंगाल पर हमला किया तो बर्धवान में काफ़ी बड़ी तबाही हुई, उनको काफ़ी उनका काफ़ी नुकसान हुआ, बट समहाउ दे सर्वाइव्ड। सन 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला में प्लासी की जंग हुई, जिसमें नवाब की हार हुई। बंगाल के राजस्वी वसूली का काम अंग्रेजों के हाथ में चला गया। अंग्रेजों का एकमात्र मकसद था बंगाल से ज्यादा धन वसूल कर बाहर ले जाना। लॉट ऑफ द जमींदारीज जो पुराने
खानदानी ज़मींदार थे, जैसे कि बिष्णुपुर, दिनाजपुर इन द नॉर्थ, या ऐसे ऐसे बहुत सारे ज़मींदारी थे। वो स्लोली स्लोली नदियाँ बहुत बड़ा ज़मींदारी था, वो धीरे धीरे वो उनके टुकड़े होने लगे, वो बैंक्रप्सी पे जाने लगे। समहाउ बर्धवान सर्वाइव्ड। बर्धवान राज की दृष्टि से एक और एक इम्पॉर्टेंट चेंज होता है 1793 में, जब अंग्रेज परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लागू करते हैं मोस्टली उत्तर भारत, दैट इज़ यूपी, बिहार एंड बंगाल एरियाज़ में, जिनमें कि वो ज़मींदारों से एक फिक्स्ड, आपको ये ज़मीन देंगे और आपको हर साल उनको इतना पैसा देना ही है, और अगर आप वो पैसा उनको ना दें तो वो आपकी ज़मींदारी नीलाम करेंगे। सो वॉट हैपन्ड वॉज, बिष्णुपुर जो उनका बड़ा राइवल था, और उन बर्धवान की बगल की जितनी भी सारी ज़मींदारियाँ थी वो बैंक्रप्ट होने लगी, और ये आई थिंक महाराजा तेजचंद मेहता जो उस समय के बर्धवान राजा थे, वो क्या करते थे, जाके खरीद लेते थे और बिल्कुल लो कॉस्ट में, बिकॉज यू नो बैंक नीलामी हो रही है और किसी के पास पैसे नहीं हैं। तो स्लोली स्लोली जो बर्धवान राज एक ऑर्डिनरी ज़मींदारी थी अब बढ़ने लगी साइज में, वो जैसे नीलाम होते जाते थे खरीदते जाते थे, नीलाम होते जाते थे खरीदते जाते थे। सो सडनली ड्यूरिंग दिस टाइम वो बहुत बड़ा ज़मींदारी बन गया, एंड इट वॉज अराउंड 5000 स्क्वायर माइल्स, इट वॉज लाइक ऑलमोस्ट 3 times द साइज ऑफ कोचिन, द प्रिंसली स्टेट ऑफ कोचिन। सो इतना उनका ताकत बढ़ गया। एक तरफ जहां बर्धमान राज की ताकत और समृद्धि बढ़ रही थी, वहीं इस राज परिवार में षड्यंत्र चल रहा था। महाराजा तेजचंद, उस टाइम के जो महाराजा थे, उनका एक बेटा था प्रताप चंद्र, एंड उनकी अपने बेटे से बनती नहीं थी, ही वॉज अराउंड 18-19 ईयर्स ओल्ड। उनका जो मैनेजर था वो था प्राणचंद कपूर, ही वॉज लाइक अ वेरी शकुनी और रास्प्यूटिन काइंड ऑफ अ कैरेक्टर। तो ये जो बिल्कुल जैसे हम हिंदी फिल्म में विलन या वैसे देखते हैं, तो वो धीरे धीरे जो बूढ़े महाराजा थे, ही वॉज अराउंड 65 ईयर्स एट द टाइम महाराजा तेजचंद, वो महाराजा को कंट्रोल करने लगा, और जिसकी वजह से वो बाप और बेटे में झगड़ा बढ़ने लगा। फिर प्राणचंद ने क्या किया, दीवान ने अपनी अराउंड 20 साल और समथिंग की जो बहन थी उसकी शादी बूढ़े महाराजा से करवा दी, तो और कब्जा बढ़ गया, और द यंग प्रिंस वॉज पुट अंडर हाउस अरेस्ट, और काफ़ी चीज़ें हुई। तो एक वर्जन ऑफ द स्टोरी कहता है कि प्रताप चंद्र जो यंग प्रिंस थे वो गुजर गए अराउंड 1820s, और उनका क्रियाक्रम हो गया। दूसरा वर्जन कहता है वन डे ही जस्ट डिसअपीयर्ड, वो गायब हो गए पैलेस से, और सबको लगा कि वो मर गए। फिर जो बूढ़े राजा थे, उन्होंने जो दीवान थे उनका एक लड़का अडॉप्ट किया कॉल्ड मेहताब चंद, वो गद्दी पर बैठे, और तब एक्चुअल मायनों में शुरू हुआ द मेहताब डिनेस्टी। मेहताब मतलब मून, एंड दे स्टार्टेड कॉलिंग देमसेल्व्स द मेहताब डिनेस्टीज ऑफ बर्धवान। सो उसके बाद दिस वॉज द ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम्स, उनके पास बहुत पैसा आया, उन्होंने हवेलियाँ महल बनाए, उनके सक्सेसर्स रहे मेहताब चंद, महाराजा मेहताब चंद, महाराजा आफ्ताब चंद, और फिर द अनदर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर वॉज सर बिजॉय चंद मेहताब। सर बिजॉय चंद मेहताब अराउंड 1802-1803 में जब गद्दी पर बैठे, तो उन्होंने एक आर्च बनाया अपने कॉरोनेशन को कोमेमोरेट करने के लिए। जब लॉर्ड कर्जन जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, बर्धवान आए, तो तब उस आर्च को कर्जन आर्च नाम दिया गया। आज भी आप बर्धवान में, बर्धवान का एक लैंडमार्क है वो। एक इंटरेस्टिंग वाक्य हुआ 1908 में, जब ये बंगाली रेवोल्यूशनरीज सर एंड्रू फ्रेजर जो बंगाल के गवर्नर थे उनको असैसिनेट करने आए, तो महाराजा ने लाइक अ ह्यूमन शील्ड उनकी जान बचाई, तो उसकी वजह से फिर अंग्रेज़ों का उन पर काफ़ी विश्वास रहा, और धीरे धीरे देवदर उनको राजा ऑफ बर्धवान थे, फिर राजाधिराज बने, फिर महाराजा बने, और फिर उनको महाराजाधिराज का टाइटल दिया गया। और महाराजाधिराज ऐसे टाइटल वाले सिर्फ दो ही ज़मींदार थे, वन वॉज बर्धवान एंड वन वॉज दरभंगा, और वो द बर्धवान राज इतने खास बन गए कि उनको 13 गन सल्यूट भी दिया गया, जो किसी भी मोस्टली किसी जमींदारी को नहीं देते थे, बट ही हैड अ पर्सनल गन सल्यूट ऑफ 13 गन्स। आजादी मिलने के बाद
देश में जमींदारी व्यवस्था समाप्त हो गई थी। तब मेहताब वंश के आखिरी प्रतिनिधि उदयचंद मेहताब ने बर्धमान की अपनी तमाम संपत्ति राज्य सरकार को सौंप दी थी। 1941 में सर बिजॉयचंद का निधन हुआ और उसके बाद सर उदयचंद मेहताब गद्दी पर बैठे। वो आखिरी महाराजा थे बर्धमान राज के, और उस समय वो काफ़ी कमिटीज पे थे। जब बंगाल का पार्टीशन हुआ 1947 में, जो बंगाल के पार्टीशन की कमेटी थी उस पर उनको वो कमेटीज़ के सदस्य थे। जो दामोदर वैली में जो डैम्स बने, द इरिग्रेशन प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, उसके वो सदस्य थे। नॉट ओनली दिस, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था उस समय, अगर आप देखें बर्धवान, तो यहाँ पर जो कोल माइंस हैं, कोल, यू नो, इट्स अ वेरी मिनरल रिच एरिया, तो या इसी ज़मींदारी की एरियाज में कोल माइंस और आयरन एंड स्टील और काफ़ी मतलब कुछ खदानें हैं, तो उसकी वजह से वो इंडस्ट्रीज़ कमीशन और ऐसे काफ़ी कमीशन्स पे थे। तो 1954 का जो इलेक्शन हुआ उसमें उन्होंने कोशिश की सर उदयचंद मेहताब ने कि वो राजनीति में आए और इंडिपेंडेंट भारत की राजनीति में सक्रिय रहें, बट हवा बदल रही थी, यू नो, भारत बदल रहा था, ज़मींदारों के लिए कोई स्थान नहीं था। तो वो जो बिनॉय चौधरी थे, जो लैंड रिफॉर्म्स के बहुत बड़े सपोर्टर थे और समर्थक थे, जो लीडर, उनसे वो हार गए डिस्पाइट हैविंग द सपोर्ट ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड ऑल दोज लीडर्स एंड ऑल। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय थे, उनके कहने पर उनका जो पैलेस था, जो मेन राजबारी, उसे यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धवान को डोनेट कर दिया, और आज भी वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धवान देखी जा सकती है, एंड वो कलकत्ता शिफ्ट हो गए। बदलते जमाने के साथ बंगाल में वामपंथियों की सत्ता आ गई और इस राज परिवार के कदम जहाँ थे वही थम गए। बर्धमान में आज भी इस वैभवशाली राज परिवार की झलकियाँ देखी जा सकती हैं।